मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा इंदौर में किए गए जननायक टंटिया मामा भील के कार्यक्रम में शामिल हुए टंटिया मामा भील के वंशजों द्वारा मीडिया से वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा कर अपने भविष्य के सुधार की मांग की है। इंदौर में आयोजित जननायक टंटिया भील के बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कई तरह की आदिवासी जनजाति सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की गई। इसी कड़ी में टंटिया मामा भील के कई वंशज भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। करीब 34 से 35 वंशज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इन्हीं में से एक वंशज सुनील का कहना है कि कितने वर्ष हो गए हैं किसी को भी उनके बलिदान और उनके बारे में चिंता नहीं थी। बीजेपी सरकार द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही अभी भी मौजूद समस्या से रूबरू करवा मदद की गुहार लगाई है। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगा कि मैं आज इस उद्देश्य से आया हूँ यहाँ पर कि मेरे गांव में ग्राम पोखड़ा में सरकार का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं अपनी मांगे जो कि मेरे पास में है आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी है, जो इसमें साफ तौर पर लिखी गई है। मेरा कहना यह है कि मेरे गांव में ग्राम कोठड़ा में जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है तहसील दुनिया में और मेरा गांव पंचायत में भी है, पंचायत ग्राम कोठड़ा, तो मेरा मानना है और मेरा यही कहना है और मेरी यही मांग है कि मेरे गांव में जैसे बड़ौदा अहिर जो कि मामा जी की कर्मस्थली रही है और जो पातल पानी है जहाँ पर उन्हें ये लोगों का और सभी का कहना है कि जहाँ पर मामा जी को फांसी दी गई है, जबकि मेरा जो वास्तविक रूप से अगर देखें तो टंटिया मामा का पूरा परिवार ग्राम कोठड़ा में निवास करता है जो कि बिल्कुल गरीब हालत में है और बेरोजगार है। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। मामले में इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा का कहना है कि सभी समस्याएं सुन ली गई है और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। आज उनका सम्माननीय टंटिया मामा जी का बलिदान दिवस हम लोगों ने पूजनीय तरीके से मनाया। परिवार के लोग भी आज आए, कुछ आवश्यकताएं परिवार की परिलक्षित हुई हैं, जैसे मकान की उन्होंने बताया है, एक मंदिर है जिसको जीर्णोद्धार करके वो करना है, स्मारक बनाना है। मुझे प्रशासन की तरफ से मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि अगर उनकी जो मांगे हैं उनको हम यथोचित पूरा कर पाएँ तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र उनका जो मंदिर है उसका एक जीर्णोद्धार करके भव्य एक मंदिर कोटड़ा गांव के अंदर निर्माण हो पाए। जैसे आज घोषणा की है पाताल पानी में एक भव्य मंदिर का हम निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है, उसी तरह से भी एक मंदिर जो वहां पे है उसको अच्छे से बनाया जा सके। एक स्मारक उनके जो भी मुख्य तीन स्थल हो गए, बड़ौदा अहिर जो उनके जन्म स्थल है, पाताल पानी जहाँ पर उनका अंतिम कार्यक्रम हुआ था और ये उनका परिवार रहता है, वहाँ पर भी एक स्मारक बनाया जाए। तो हम इस स्थिति इसमें प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र ये कार्य आरंभ। सालों से कई सरकारें आई और कई गई लेकिन आदिवासी समाज आज भी मूलधारा से कई दूर है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने टंटिया मामा भील को लेकर जन जागरूकता अभियान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुले मंच से कई घोषणाएं की गई है, उससे आने वाले दिनों में जमीनी स्थिति पर आदिवासी समाज विकास करता है यह तो आने वाले समय में ही देखने लायक रहेगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।